के कारोबार में संलिप्त व फरार चल रहे रंजीत उर्फ रिंकू के घर से पुलिस को 2 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। पुलिस को बरामद पासपोर्ट अलग अलग पते के हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि रिंकू के घर से बरामद दोनों पासपोर्ट की जानकारी पासपोर्ट ऑफिस से की जा रही है। वहीं ये भी पता किया जा रहा है कि आरोपी रिंकू ने किन किन देशों में इन दोनों पासपोर्ट से यात्रा की है और कब की है। वहीं ये भी जानकारी की जा रही है कि एक व्यक्ति के 2 पासपोर्ट कैसे जारी किए गए। आपको बता दें कि नजीराबाद थाना के अंतर्गत संचालित हो रहे सट्टे में नजीराबाद पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 93 लाख रुपए की नकदी बरामद की थी और सट्टे में संलिप्त 7 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया था। वहीं सट्टे का मास्टरमाइंड सोनू सरदार व रंजीत उर्फ रिंकू फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में कानपुर पुलिस की एक टीम जयपुर के लिए भी रवाना कर दी गई है। एक अभियुक्त रंजीत उर्फ रिंकू के घर से 2 पासपोर्ट बरामद हुए थे और दोनों पासपोर्ट से उसकी विदेश यात्रा की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उसमें कई विदेश यात्राओं का भी उल्लेख है और इसके अलावा चूंकि 2 पासपोर्ट मिले हैं तो ये जांच की जा रही है कि 2 पासपोर्ट कैसे बन गए। और अभी तक की जाँच में निकल के आया है कि दोनों पासपोर्ट अलग अलग पते से बने हैं। इस संबंध में पासपोर्ट ऑफिस से संपर्क करके और आगे जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई।